नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसा कि अभी आपको सिचुएशन पता है कि फेसबुक, ट्विटर ये सब बैन होने वाले हैं, और अभी काफ़ी सारे फ्री फायर प्लेयर्स पैनिक हो चुके हैं कि भैया हमारी आईडी का क्या होने वाला है, हमने फेसबुक से लॉगिन किया, क्या वो वापस आ सकता है, क्या उस आईडी का कुछ हो सकता है। तो भैया भैया मेरी बात सुनो, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से आप मेरी बात सुनो। इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो भैया यहाँ पे सच्ची चीज़ बताया जाएगा, कुछ ऐसा मतलब झूठा कवर देना नहीं है। तो भाई लोगों, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना, और लोगों को झूठे शेयर से और झूठी बातों से दूर रखना। सो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक ये है कि क्या फ्री फायर में जो हमने फेसबुक से लॉगिन किया है वो बैन होगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने फेसबुक से लॉगिन किया है फ्री फायर को और फेसबुक बैन हो रहा है तो डायरेक्टली आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई उससे एसोसिएटेड है मेरा अकाउंट और वही बैन होगा तो खुलने वाला नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें बात करना है इस बात पे कि क्या हम लोग फेसबुक को जीमेल आईडी से बदल सकते हैं, हाँ या ना। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग आपको ये दिखा रहे होंगे कि सबमिट करना है ऐसा फॉर्म टाइप का जिसमें आपको बोलना है कि ये गूगल टू फेसबुक डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन आईडी गेम आईडी वगैरह वगैरह। तो भाई लोग साफ बात पे वो लोग झूठ कह रहे हैं। अगर आप उस पर ध्यान से पढ़ोगे तो गरीना वो किस चीज़ के लिए दी हुई है, लॉस्ट एफबी अकाउंट। तो आपका अकाउंट तो लॉस्ट हुआ नहीं, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ट्रांसफ़र की। तो भाई लोग ट्रांसफ़र तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि भाई फेसबुक एक अलग प्लेटफॉर्म है और जीमेल एक अलग प्लेटफॉर्म है, और दोनों का डेटा बहुत मतलब अजीब व गरीब टाइप का चलता है, और दोनों भाई कभी सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते साथ में। और जो ये फेक खबर फैला रहा है वो तो भैया व्यूज़ के चक्कर में है और असली खबर नहीं देना चाहता आपको। बट तो चलिए अब बताते हैं आपको कि अब इसमें हम कर क्या सकते हैं। तो भाई लोग सच बात यह है, तो हम अभी अपने सिचुएशन पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो लेट इट बी, जैसा है उसको वैसे ही रहना है, बस पैनिक नहीं होना। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ गरीना का खुद ऑफिशियल आर्टिकल। सो हम आ चुके हैं उसके ऑफिशियल वेब पेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, यू मे रिसीव द मेल फ्रॉम द गरीना फ्री फायर सपोर्ट टीम वंस यू लिंक द फेसबुक और गूगल अकाउंट टू फ्री फायर, इट इज़ परमानेंट एंड अनेबल टू चेंज। तो भाई लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो साफ है कि ये परमानेंट है और चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आपने एक बार इन दोनों ही फेसबुक और गूगल को लिंक कर दिया है फ्री फायर से, सो वंस यू लिंक योर अकाउंट टू फेसबुक और जीमेल इट कांट बी हेल्प्ड। तो यहाँ भैया साफ साफ गरीना ने लिख दिया है, एक बार अगर कर दिया सो कर दिया और ये चेंज नहीं हो सकता है। और यूट्यूबर्स लोग तो भैया आपको झूठे झूठे चीज़ बता रहे हैं, मैंने वीडियोज़ देखी, कह रहा है भाई एफबी अकाउंट से करो, ऐसे करो वैसे करो। तो भाई इन सब चंगुल में ना फंसो, व्यूज़ के चक्कर में भैया वो आपको बुद्धू बना रहे हैं, और ऐसा करना भी मत क्योंकि आप कहीं दूसरे झंझट में ना पड़ जाएँ। तो भाई लोग बस इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने देख रहा था बहुत पैनिक सिचुएशन थे, मेरे को मेल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भाई ऐसा कर दो ऐसा करो कैसे करूँ। तो भाई पैनिक मत हो, सब सही हो जाएगा, पॉलिसी क्या पता फेसबुक मान ले। तो भाई बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को ताकि वो बेवकूफ़ बनने से बचे। और भाई लोग बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, स्टे एट होम, स्टे सेफ, और बेवकूफ़ ना बनिए। जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं उसको ध्यान से देखा करिए और उल्लू बनने की कोशिश ना करिए। और भाई बस चलते हैं अब इसी बात पे। तो टाटा, बाय बाय, एंड हमेशा पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। सो बाय बाय।